अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के बारे में, जहां पे हम एडवांटेजेस ऑफ पावर बीआई के बारे में बात करने वाले हैं कि क्यों पावर बीआई को में ज्यादा यूसेज होता है बाहर या हर कोई यूज करता है। पहला, ये एक्सेल जो है एक लिमिटेड वे में डेटा अमाउंट को हैंडल कर सकता है। आई थिंक 10 लाख रुपए के ऊपर ज्यादा हैंडल नहीं कर सकता है, क्योंकि मैं स्टॉक मार्केट का डेटा जब यूज करता हूँ तो 3 से 4 दिन के ऊपर का डेटा नहीं मिलता है, क्योंकि इतना डेली बेसिस पे वॉल्यूम हाई लो क्लोज उसका एनालिसिस करना तो वहां पे नहीं हो पाता है। तो पावर बीआई से आसानी से वो डेटा में कनेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद पावर बीआई उसके बाद ये है कि पावर बीआई के अंदर जो डैशबोर्ड डेवलप होता है काफी अपीलिंग, उसके अंदर कलर बहुत सारे अलग अलग वेराइटीज अवेलेबल जो आप आसानी से चेंजेस कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो, राइट। एक्सेल के अंदर में आपका डेटा मॉडलिंग पॉसिबल नहीं है एंड रिफ्रेश करने में डिफिकल्टीज आती है। वहीं पे अगर हम पावर बीआई के अंदर में जो डेटा आपके बैकएंड कहीं क्लाउड में हो सकता है या आपका डेटाबेस सिस्टम है वहां पे स्टोर हो सकता है, और यहाँ से जब आप वहां से जैसे चेंजेस करते हैं रिफ्रेश करते हैं यहाँ पे तो आसानी से वो हो जाता है, उसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। यहाँ पे आप डेटा विजुअलाइजेशन बेहतर है, कोलैबोरेट कर सकते हो, जो एक प्रोजेक्ट के ऊपर आपके साथ 4 से 5 लोग काम करते रहेंगे, जो वो प्रोजेक्ट कम से कम 1 साल 1.5 साल तक चलता है, सो दैट सारे टीम आपके जो फ्रेंड्स है सर्कल्स है जो कलीग्स है एक ही प्रोजेक्ट पे काम करे तो शेयर कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि इनकेस आप अवेलेबल नहीं हो तो कोलैबोरेटिव काम कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज मेजर्स क्रिएट करने पड़ते हैं जो एक्सेल के अंदर पॉसिबल कभी कभी नहीं होता है कि इस तरह से चाहिए, तो ये आपको वो भी प्रोवाइड करता है। डेटा इंटीग्रेशन काफी आसानी से होता है, आप डिफरेंट डिफरेंट डेटा सोर्स से कनेक्ट कर सकते हो, मोबाइल एक्सेस है और ये कॉस्ट इफेक्टिव एज कम्पेयर टू टैबलू और जो अदर बीआई टूल्स है वो थोड़े से एक्सपेंसिव रहते हैं एज कम्पेयर टू पावर बीआई। पावर बीआई फिलहाल तो मैंने फ्री में हम इंस्टॉल कर सकते हैं और आसानी से यूज भी कर सकते हैं, राइट। तो ये सारे के सारे एडवांटेज थे।